once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्लिक। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एक और साड़ी का वीडियो, और आज का वीडियो है ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के साड़ी कुछ ऐसे वैसे साड़ी नहीं है। आज के साड़ी जो मैं दिखाने वाली हूँ, दे आर ऑल वेरी गॉर्जियस, वेडिंग परफेक्ट एंड थोड़ा सा यू नो महंगा काइंड ऑफ साइड। मैं हमेशा आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि बहुत अफोर्डेबल 500, 600, 1000 रुपीज़ का साड़ी और ऐसा, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा सा मतलब 2000 के अराउंड हम जाते हैं। मेरा पति आँख दिखा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं साड़ी थोड़ा सा 2000 रेंज में जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा होता है, क्योंकि 1000 रेंज के अराउंड मैंने बहुत सारा ऑर्डर किया है, कुछ कुछ अच्छा निकला है, कुछ कुछ मैंने रिटर्न कर दिया है, और कुछ कुछ आई वाज लाइक वाओ। तो 1000 टू 2000 टू 3000 रेंज का साड़ीज़ मैं आज दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड है जो ये माइक होल्ड करके रखा है, एंड ही इज़ लाइक। तो आज जो साड़ी दिखाने वाली हूँ, दे आर लाइक हाँ अच्छा वाला साड़ी है, और मेरा रिव्यू तो उसके साथ आपको मिल ही जाएगा, एंड दे आर ऑल लाइक गॉडी काइंड ऑफ गॉर्जियस। ठीक है, आपके घर में अगर कोई वेडिंग फंक्शन कुछ है तो उसके लिए परफेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट, हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले। एंड हियर इज माई इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज गो एंड टू फॉलो मी देयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली जो मैंने पहन के रखा है वो वाला साड़ी से। सो दिस साड़ी, ये जो साड़ी है ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस काइंड ऑफ साड़ी। तो मैंने बहुत रिसर्च करी है कि क्या साड़ी हम पहन सकते हैं, एंड रिसेंटली आई हैव अ फंक्शन इन माई होम टाउन, उसके बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो येस, बहुत सारा न्यू व्लॉग्स आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा वेडिंग पर्पस का जो साड़ीज़ है ना एक्सप्लोर कर रही थी, एंड हियर आई गॉट दिस वन। ये जो साड़ी है, दिस इज़ बनारसी साड़ी, लेकिन अब देख सकते हो बनारसी जो साड़ी है बहुत हेवी होता है, 3-4 किलो वेट होता है, और उसको पहनने के बाद बहुत गर्मी भी होती है, और कोलकाता में अभी तो गर्मी ओ माई गॉड बहुत है। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसी साड़ी देखते हैं जो थोड़ा हल्का भी होगा और वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट भी होगा। तो ये साड़ी जो है बनारसी साड़ी, लेकिन जॉर्जेट बनारसी। तो ये जो मटेरियल जो है साड़ी का, कपड़ा जो आप देख रहे हो, सो दिस इज़ अ जॉर्जेट मटेरियल का है, और इसके अंदर मोटा वाला सिल्क नहीं है, और पूरा आप देख सकते हो जरी का काम किया हुआ है। तो इसीलिए ये साड़ी दिख तो रहा है बिल्कुल बनारसी, लेकिन पहनने के लिए बहुत ही आरामदायक और बहुत ही कंफर्टेबल, लाइट वेट, गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट है। और कलर जो है वो भी बहुत अच्छा कलर है, वाइन कलर का है, एंड इसका और भी कलर ऑप्शंस है, एंड या यू कैन सी दैट ये साड़ी ऑलरेडी मेरे बॉडी के साथ कितना अच्छे से हक करके रखा है, लाइक बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। एंड ये साड़ी काफ़ी लंबा भी है, क्योंकि आप देख सकते हो प्लीट्स बहुत ज़्यादा आया है, एंड ये तो मुझे पहन के काफ़ी अच्छा लगा है, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर मैरिज। अब देख सकते हो पीछे से ये जो पल्लू आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गॉर्जियस, वेरी नाइस, एंड दिखने में उतना भी गॉडी गॉडी नहीं लग रहा है, लेकिन बट स्टिल इट इज़ वेरी शादी अप्रोप्रिएट। और अब देख ही सकते हो ऊपर जो है ना पूरा मतलब बॉडी के साथ हक करके रखा है ये साड़ी, बहुत ओवर द फ्लो नहीं जा रहा है। जनरली जो होता है बनारसी साड़ी बहुत ऐसे बल्की लगता है, सो दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज दिस इज़ जॉर्जेट बनारसी साड़ी, एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट इट कि इतना अच्छा आएगा ये साड़ी। अभी तो मुझे इसका ब्लाउज भी बनवाना है, और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे टेलर को बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी बना के दो। एंड जस्ट टेल मी कि ये जो साड़ी है मैं किस दिन पहनूँ, वेडिंग डे पे पहनूँ, डे नहीं वेडिंग नाइट पे पहनूँ, या रिसेप्शन पे पहनूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ दीजिए डिसीजन, प्लीज़ मुझे बताना कि ये साड़ी मैं किस दिन पहनूँ। और इसका जो प्राइस है, दैट इज़ 2400 रुपीज़, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वर्धा, और उस ब्रांड का जो साड़ी मैंने एक और मंगवाया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, सो मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी, बट ये वाला तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लगा है, एंड या दिस इज़ लाइक
वेरी लाइट वेट, वेरी फ्लोई, येट इट इज़ लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड एलिगेंट। और इसके साथ मैंने पेयर किया है दिस ब्यूटीफुल सा सेट, ये भी मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था बहुत पहले, लेकिन आई थिंक इसके साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसके साथ आप देख सकते हो रिंग का भी सेट है, लाइक ईयर रिंग और ये नेक पीस एंड फिंगर रिंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप भी कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है या नहीं, या तो इसके साथ तो गोल्ड ज्वेलरी तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही। एंड दिस इज़ अनादर साड़ी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कलर, आई जस्ट लव द कलर। और ऐसे कलर का साड़ी मैं पहली बार पहन रही हूँ, इससे पहले मैंने ये वाला कलर कभी नहीं पहना है। दिस इज़ लाइक वेरी लाइट ग्रीन कलर, ग्रीन एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है, बंगाली में हम बोलते हैं कोची कोला पत्ता कलर। तो दैट कलर का साड़ी, उसके साथ आप देख सकते हो जो जरी का बॉर्डर किया हुआ है, पूरा जरी का काम किया हुआ है, दैट इज़ गोल्डन कलर का। एंड जो मैं आपको दिखा नहीं सकती, दिखा नहीं पा रही हूँ, वो है इसका ब्लाउज पीस। इसका जो ब्लाउज पीस है ना, ये इस जो पिंक देख रहे हो, डार्क फुशिया पिंक का कलर का, डार्क फुशिया पिंक कलर का ब्लाउज पीस है। ये ब्लाउज पीस एक्चुअली साड़ी के अंदर है, जो साड़ी का स्टार्ट होता है ना उस जगह पे है। तो मैंने अभी पहना है उसको टक इन करके, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, और मैं इसको बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ ब्लाउज को। सो जस्ट इमेजिन कि पिंक कलर का ब्लाउज और ये कलर का साड़ी, दोनों का कॉम्बिनेशन विल बी चुमेश्वरी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली ये साड़ी, मुझे और भी अच्छा लगा है इसलिए कि ब्लाउज एंड साड़ी का जो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा है। एंड उसके ऊपर से साड़ी तो है बहुत प्यारा, दिखने में भी बहुत डिफरेंट है। आई थिंक ये वाला साड़ी मैं शादी के डे टाइम में पहनने वाली हूँ, जब हल्दी वल्दी होगा ना, सब येलो कलर के साड़ी पहनेंगे, एंड आई विल वेयर दिस कलर साड़ी, जो हल्दी भी होगा थोड़ा और मेहंदी का कलर भी है, थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ होगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसका पल्लू देखो, बहुत अच्छा है, पूरा जो जरी किया हुआ है, काम किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा साड़ी में ही ऐसे देख सकते हो, थोड़ा सा ये जो सीक्वेंस जैसा, बहुत सारा एक सीक्वेंस जैसा काम किया हुआ है जरी का। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत गर्मी वाला मटेरियल नहीं है, एंड मतलब बहुत इजी वीजी तो साड़ी का वो तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आपको उतना भी सफोकेशन वो वाला नहीं फील होगा, पहन सकते हैं गर्मी में। देखो साड़ी पहनेंगे तो गर्मी में तो गर्मी होगी ही होगी, है ना, लेकिन हाँ कितना गर्मी होगी, ज़्यादा कम, वो हम बता सकते हैं। तो या साड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली द कलर। आई थिंक ये मैं डे टाइम पे पहनने वाली हूँ, एंड जस्ट टेल मी हाउ इट इज़ लुकिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आप बताओ। और इसके साथ जो मैंने पेयर किया है, आप देख सकते हो ये जो सेट है, पूरा सेट ये गले का है, और दिस इज़ द इयर रिंग एंड दिस इज़ द रिंग, तो मैचिंग मैचिंग है काफ़ी, तो अच्छा लगेगा। और पिंक ब्लाउज होती तो बहुत अच्छा लगता, आई कुड हैव शोन यू बेटर वे, तो इसलिए मैं सारे साड़ीज के साथ अभी ये तो गोल्डन ब्लाउज से ही मैं काम चला रही हूँ। बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया, है ना, ऐसे जो पिंक कलर है ऐसे ब्लाउज पहनेंगे तो कैसा लगेगा। सो इसका प्राइस, हाँ आप सोच रहे होंगे बहुत एक्सपेंसिव होगा, जैसे कि लास्ट वाला साड़ी मैंने बताया 2400, उतना तो नहीं है, ये साड़ी बहुत ही अफोर्डेबल है, ये साड़ी 999 का है। ये वाला साड़ी तो देख के ना मैं अपने आप से मतलब आंखें नहीं हटा पा रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा है, साड़ी तो बहुत अच्छा है। पहनने के बाद सो दिस साड़ी इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड वर्धा, पहला वाला साड़ी आपको दिखाया जॉर्जेट बनारसी, सेम ब्रांड का है वर्धा ब्रांड, एंड दिस इज अनादर सिल्क साड़ी। अब थोड़ा पास से देखिए तो आपको पता चलेगा, सो दिस इज अ पिंक साड़ी, और आप देख सकते हो कि इसका जो जरी का काम है ऑल ओवर द बॉडी, बहुत ही नाजुक से किया हुआ है, एंड इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, एंड पूरा साड़ी में ऐसे काम किया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए पल्लू, पल्लू पे भी आप देख सकते हो बारीक सा जरी का काम किया हुआ है, एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, बहुत एलिगेंट है ये साड़ी। इवन पहनने के बाद भी मुझे बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आई एम वेयरिंग रियली सच अ नाइस साड़ी, और इसका फील ही कुछ और है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लीट करने के बाद ना वहीं पे रहता है, इधर उधर नहीं रहता है, मतलब ये बहुत मैनेजेबल साड़ी भी है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो साड़ी मैंने परचेज़ किया है सबसे ज़्यादा इसका प्राइस है, 3200 रुपीज़, एंड आई थिंक इट इज़ टोटली
भी वर्थ थी, 3,000 का साड़ी ऐसा लगना चाहिए, है ना? ये देख के लग रहा है इट इज़ क्वाइट महंगा, और इसका जो फील है बहुत अच्छा है, मतलब महंगे साड़ी पे भी जो सिल्क होता है, वो जो क्वालिटी होता है, आप टच करते हो तो बहुत पता चलता है, जो आँखों में या कैमरे पे नहीं पता चलता है, पिक्चर पे नहीं पता चलता है, तो इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है और मुझे ये बहुत पसंद आया। प्लीज़ आप बताना कौन सी डेट पर मैं पहनूँ, मैरिज या रिसेप्शन। और इसके साथ मैंने पेयर किया है एक बड़ा सा पिंक स्टोन का इयररिंग, क्योंकि पिंक साड़ी है, थोड़ा सा मैचिंग करके किया है। गोल्ड ज्वेलरी इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ, मौका नहीं मिलता है। एंड या दैट इज़ ओवरऑल ये कलर आई थिंक इससे पहले मैंने बहुत रेयर पहना है, मे बी एक साड़ी है मेरे पास ऐसे डार्क पर्पल कलर का, और दिस इज़ द सेकेंड वन। लाइक टू मच लग रहा है, मुझे भी लगा था टू मच, लेकिन यार शादी में थोड़ा सा चलता है करके मैंने ये ऑर्डर किया था, एंड दिखने में काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। ये जो साड़ी है आप देख सकते हो, बहुत अच्छा सा काम किया हुआ है। दिस इज़ द बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन का वर्क किया हुआ है, इधर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है थ्रू आउट द साड़ी, उसके नीचे तक भी ऐसे काम किया हुआ है, एंड बीच बीच में भी आप देख सकते हो ऐसे जरी का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, एंड दिस इज़ द ऊपर वाला बॉर्डर जहाँ पे सेम जरी का काम और उसके साथ थोड़ा सा ये छोटा छोटा स्टोन का काम किया हुआ है, ये पूरा साड़ी में है। एंड दिस इज़ द पल्लू, आई नो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ब्लाउज पीस जो है पल्लू के साथ दिया हुआ है, जनरली साड़ी के स्टार्टिंग में होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पहना है। एंड या दिस इज़ गॉर्जियस पल्लू। सो इसका जो मटेरियल मैं बात करूँ, थोड़ा सा लाइक नॉट दैट समर फ्रेंडली, मैंने सोचा था सैटिन का होगा क्योंकि लिखा हुआ था सैटिन, तो सैटिन इज़ लाइक हाँ कुछ कुछ सैटिन अगर अच्छा क्वालिटी का है तो अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत सफोकेशन फील होता है। तो ये जो कलर, ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इफ़ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली बाय इट, लेकिन कोलकाता जो गर्मी है उस समर में तो आप पूरा पिघल जाओगे, तो इसीलिए ऐसा वाला अगर मटेरियल आप पहन रहे हो थोड़ा सा अवॉइड करो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप समर विंटर की कोई बात नहीं है देन यू कैन बाय इट। और या ये साड़ी एक और चीज़ है, मुझे थोड़ा सा छोटा लगा है, मतलब साड़ी का जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे थोड़ा सा छोटा लगा है। एंड या आपके मर्ज़ी, आप देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि आई नो कलर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, कैमरे पे आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा होगा, सो इसलिए मैंने भी ये पिक्चर देख के परचेस किया, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है और जो मटेरियल है इसका जो वो थोड़ा सा गर्मी वाला है। इसका प्राइस जो है 2,200 रुपीज़, तो या एक्चुअली दिखने में उतना, मतलब काफ़ी गॉर्जियस और काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर लाइक फेयर तो बहुत अच्छा लगेगा, डार्क स्किन टोन है तो थोड़ा सा यू कैन अवॉइड, मीडियम टू फेयर स्किन टोन पे ये अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने कान में पेयर किया है गोल्डन कलर का स्टोन एंड मोती का इयररिंग, क्योंकि ये गोल्डन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्डन, तो इसलिए गोल्डन अच्छा लगेगा, अगर ग्रीन या ये पर्पल कलर पहनूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए गोल्डन अच्छा लगेगा। एंड जो चुड़िया है वो भी मैंने मैचिंग मैचिंग कलर का पहना है। एंड या नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल पीची पिंक कलर साड़ी, इसका जो कॉम्बिनेशन लग रहा है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, पीच कलर का साड़ी और बॉर्डर में आप देख सकते हो रानी पिंक, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो कॉम्बिनेशन है पीच कलर और पिंक कलर का बॉर्डर, दोनों बहुत ही बढ़िया है, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द साड़ी इज दिस इज सो लाइट वेट, सो नाइस, मतलब समर में बहुत अच्छा लगेगा, हल्का वाला साड़ी वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज सो लाइट वेट, आपको फील ही नहीं हो, आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक अच्छा सा इतना गॉर्जियस साड़ी पहन के रखे हो, सो सबको अच्छा लगेगा। इसका जो काम किया हुआ ना आप देख सकते हो, बॉर्डर इज़ वेरी डिफरेंट और बहुत ही अच्छा है, बहुत डिफरेंट सा लुक है इस साड़ी का, बहुत यूनिक है ये साड़ी। और इस साइड पे देख सकते हो ये जो बॉर्डर का जो डिटेलिंग है ये भी बहुत सुंदर है। एंड दिस इज़ द पल्लू जो डार्क पिंक कलर का है, एंड या जिसके ऊपर गोल्डन का जरी काम किया हुआ है, अगर आप थोड़ा पास आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो साड़ी है पीच कलर, इसके अंदर भी आप देख सकते हो गोल्डन कलर का छोटा 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 पूरा साड़ी, ऑल ओवर द साड़ी ऐसा वर्क किया हुआ है जरी का,
तो ये साड़ी दिखने में तो बहुत हल्का पुल्का और बहुत ही लाइक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये साड़ी। और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 999 रुपीज़ में। तो या इस हॉल में मैंने शुरू में बोला है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन उतना भी महंगा सब कुछ नहीं है। 999 का मैंने दो साड़ी दिखाया है, ऐसे करके मैं दो दिखा रही हूँ, दो साड़ी दिखाया है एंड या दो तीन मैंने दिखाया है 2000 के रेंज में। तो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, टुडेज हॉल वीडियो। और प्लीज़ बताना कि ऐसे साड़ीज़ का जो मैं कलेक्शन आपको दिखाती हूँ अमेज़न का, ये वाला थोड़ा सा अफोर्डेबल टू हाई एंड काइंड ऑफ वीडियो था। जनरली मैं आपको अफोर्डेबल दिखाती हूँ, तो कैसा लगा आपको? अगर आप ऐसे और हॉल देखना चाहते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ गिव मी रिकमेंडेशंस कि मैं मैरिज डे के शाम को क्या पहनूँ, रिसेप्शन पे क्या पहनूँ, दिन में क्या पहनूँ। जो जो भी साड़ी दिखाया प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कौन सी साड़ी कौन से दिन पे पहनूँ। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग।